अब तक आपने देखा कि एक साइकोपैथ किस तरह से लोगों की जान लेता जा रहा था, और पिछले 10 साल पुराना रहस्य अभी तक खुला भी नहीं है। क्या ये वही सीरियल किलर है? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें। अब आगे, दोनों पुलिस वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैंने अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया है कि वो आदमी अब जिंदा नहीं है। मतलब ये किसी गुंडे का काम लग रहा है जो इस पुराने खूनी का फैन होगा। ठीक है, आसपास के गुंडों से पूछताछ करते हैं। अमित अभी कुछ करता, वहां उसकी इशिता आ गई। इशिता अमित को आवाज लगाती है। अमित, अमित यार रुक जा। तभी अमित बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस तो पूछताछ करते हुए घर तक पहुंच गई थी, और मेरे कमरे में जो सबूत है उसे देख के ये सब यही समझेंगे कि खून मैंने ही किया है। तभी इशिता अमित को पकड़ लेती है। तू पागल है क्या अमित? मैं कब से आवाज दे रही हूं, एक बार भी नहीं रुका तू। तभी अमित उसको चौंक कर देखता है और बोलता है, इशिता तू यहां कैसे? सब ठीक तो है ना? इशिता अमित को लेकर अपने साथ जाती है और बोलती है, तू यहां बैठ, आ बैठ जा, एक मिनट के लिए बैठ जा। क्या चल रहा है तेरा? मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, फोन भी नहीं उठा रहा, और ठीक से बात भी नहीं की। और तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, हैं? चल क्या रहा है अमित, मुझे सच सच बताओ। इशिता यार सॉरी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ऑफिस के काम का बड़ा प्रेशर है, प्लीज़ हम थोड़ी देर बाद बात करें। तभी इशिता अमित को समझाते हुए, नहीं अमित, मुझे अभी सुनना है, आखिर चल क्या रहा है? अमित बोलता है थोड़ा सा हंसकर, अरे मेरी जान कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। आज शाम को डिनर पर चलना पसंद करोगी मेरे साथ? तभी इशिता थोड़ा गुस्से में चिढ़के बोलती है, नहीं, मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है मुझे, लेकिन तुम बताना नहीं चाह रहे हो, है ना? तभी अमित उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, अरे मैंने तुझे बताया था ना कि माँ मुझसे गुस्सा है, कुछ दिनों से उसकी वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ चल रहा है बस, और कोई बात नहीं है। तभी इशिता उसकी तरफ इशारा करके कहती है, तो कुछ ज़रूर छुपा रहा है, जब सच बताना होगा तब मुझे कॉल करना, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ। इशिता यार तू भी गुस्सा, अब यार मैं ऐसे मत करो प्लीज़। तभी अमित घर पर वापस आ जाता है और सोचता है, मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। माँ कह रही थी कि मैं उस दिन रात को बाहर गया था, माँ का दिमाग शांत हो गया तो शायद वो कुछ बता दे। तभी अमित वहाँ से उठ के अपने माँ के पास जाता है और उससे पूछता है, माँ मुझे आपसे कुछ पूछना था। तभी उसकी माँ बोलती है, क्यों जा, तेरे दोस्त तो तुझे पूछ रहे होंगे ना, जिनके साथ तू रात भर रहता है उन्हीं के पास जा। अमित बोलता है, माँ प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी बात है। तभी उसकी माँ बोलती है, ठीक है पूछ जो पूछना है। देखो माँ, आपको जो लग रहा है मैं रात को बाहर जाता हूँ, वह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, और मुझे सच में उसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। तभी माँ गुस्से में, अमित अगर तू वापस झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अमित बोलता है थोड़ा परेशान होकर, नहीं माँ मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, और मुझे ध्यान आया कि उन दोनों रातों की कोई भी बात मुझे याद नहीं है। मुझे इतना भी याद नहीं कि मेरी आंखें कब लग गई थी, और उसके बाद मैं रात को खाना भी कब खाया था, और मैंने खाना खाया भी या नहीं खाया मुझे ये तक नहीं पता। तभी उसकी माँ थोड़ा परेशान होकर थोड़ा सोचती है, और उसके बाद उससे कहती है, क्या तू सच बोल रहा है?
या मैं और तेरे पापा गुस्सा हैं इसीलिए बोल रहा है। ये सब वाकई में सच है ना? तभी अमित थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसलिए मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं पूरी रात गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि ये बात सच नहीं है। तभी उसकी माँ थोड़ा परेशान होकर कहती है, ऐसा क्या हुआ है कि अब तुझे ऐसा लग रहा था कि तू बाहर गया था? तभी अमित बोलता है, कुछ तो बात है माँ, मुझे उस रात की कोई भी बात याद नहीं। इतना ही नहीं बल्कि छोटी के साथ भी यही हो रहा है। उसकी माँ कहती है, अगर सच में तू झूठ नहीं बोल रहा तो ऐसा हो सकता है कि तुझे नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन फिर छोटी के तेरे साथ बाहर जाने का क्या मतलब हुआ? उसे भी नींद में चलने की बीमारी है क्या? अमित थोड़ा परेशान होकर अपनी माँ से बोलता है, मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कल से बस यही बात सोच रहा हूँ और अब थक गया हूँ ये सब सोच सोच के कि मेरा सिर फटा जा रहा है माँ, सिर फटा जा रहा है। माँ अपने बेटे अमित को बहुत सांत्वना देने की कोशिश करती है, कोई बात नहीं बेटा, हम डॉक्टर से बात करेंगे, निशा को भी लेके चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? उसी रात दोनों हस्बैंड वाइफ अमित के माता पिता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आज अमित ने मुझसे बात की, पति, अच्छा और क्या झूठ बोला बाकी रह गया था उसका? माँ, थोड़ा ठंड रखिए आप भी, वो रो रहा था बेचारा, उसे कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। मुझे ऐसा लगता है उसे नींद में चलने की बीमारी है। तभी छोटी खिड़की से देखते हुए नजर आती है, पति क्या वो सच बोल रहा था? माँ, हाँ उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था। और वैसे भी आज के पहले अमित ने कभी हमसे झूठ नहीं बोला है, हमेशा सच बोलता है और वो सच सच बताता था। पति थोड़ा शक में बोलता है, लेकिन फिर छोटी का क्या, दोनों को एक ही बीमारी एक साथ कैसे हो गई? पत्नी, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अमित झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा इन सब पर, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाकर इसका पता लगाना चाहिए। दोनों सर हिलाते हैं, ठीक है। दोनों माँ बाप अपने बच्चों के पास जाते हैं और उनसे जाकर बोलते हैं, माँ चलो तुम दोनों डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। छोटी तू चुप कर, घर के बड़े जब कह रहे हैं ना तो सुनकर चलना चाहिए, ठीक है? छोटी ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं है कोई नींद में चलने की बीमारी माँ। अब यहां से दोनों पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे अमित और इशिता डॉक्टर के पास जाते हैं। आखिर क्या है असली वजह, क्यों अमित लोगों की जान ले रहा है और आखिर उन दोनों रातों में हुआ क्या था, इन सब का खुलासा होगा बहुत जल्द। हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि खूनी संगीत कभी भी कहीं भी बज सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।